हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर दिया है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, हम इस लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। मेरा क्वेश्चन है 5 cos² 60° +4 sec² 30° -10² 45° upon sin² 30° +cos² 30°। इसको हम सॉल्व करें कैसे होगा देखते हैं। 5 cos 60° की वैल्यू क्या होती है? 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। +4 sec 30° का वैल्यू क्या होता है? 2/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। -10 45° क्या होता है? 1 होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। अपॉन sin² 30° की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। +cos 30° की वैल्यू होती है 3/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या हो जाएगा? 5 × 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/4 +4 × 2/√3 स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/4 हो जाएगा +√3/2 का स्क्वायर है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे होगा? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5/4 हो जाएगा +4×4 16 upon 3 -1 upon में यहाँ पे 4 4 सेम है, ये 4 और ये 4 सेम है, 4 LCM। 1 4 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1 +4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3। अब देखते हैं क्या होगा। 5/4 +16/3 -1, ये कैसे सॉल्व होगा? तो 4 3 जा 12, एलसीएम हो गया। 4 3 जा 12, 5 × 3, 5 × 3, 5 3 जा 15 +3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 -1, यहाँ 1 है, तो 1 का टेबल 12 बार में आएगा, यहाँ 12 हो गया। अपॉन में 1 + 3 4, ये 4 है ही है। अब -12, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से? फाइव प्लस फोर नाइन, 6 + 1 सेवन, -12 अपॉन में 12 हाई है, अपॉन में 4 1 जा 4 कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो और सिंप्लीफाई होगा। 79 - 12, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा, अपॉन में 12, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 67/12। बच्चे, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप अपने खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।